प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर न्यूज 18 की यतेंद्र शर्मा की खबर है कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर ये कि अगले 5 से 7 दिनों के अंदर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। तो ये अटकलें लग रही थी, जैसे ही केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि आने वाले चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी कुछ फेरबदल हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ये संभावना भी गहराती जा रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 से 7 दिनों के अंदर ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चुनावों के मद्देनजर ये बड़ा विस्तार हो सकता है और 5 से 7 दिन बताया जा रहा है जिसमें ये घोषणा हो सकती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, जब ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद न्यूज 18 इंडिया ने पूछा था, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर ये कहा था कि जैसे आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा और हम विस्तार कर देंगे। देखिए, अब जानकारी तो ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कितनी संभावना इस बात की? बिल्कुल, सूत्रों का दावा है कि अगले 5 से 7 दिन के अंदर ये विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि पहले जो बैठकें हुई थी उसमें सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया था। लेकिन अब ऐसे में जो समीकरण आ रहे हैं और जो इनपुट्स बीजेपी के पास आ रहा है, तो ऐसे में चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक विस्तार कर सकती है। हालांकि अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि किसी भी मंत्री को हटाने पर सहमति नहीं बनी है, कुछ मंत्रियों को बढ़ाने पर जरूर बनी है। तो 5 से 7 नए मंत्री इस विस्तार में क्षेत्र के हिसाब से, और जो कास्ट कम्युनिकेशन है वो कॉम्बिनेशन है जो उस हिसाब से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के संगठन महामंत्री जो प्रदेश के उत्तर प्रदेश के हैं सुनील बंसल, वो 2 दिन से दिल्ली में 5 से 7 दिनों में ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जानकारी ये आ रही है कि जल्द ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शुक्रिया यतेंद्र।